ऑन कर लिया सर जी। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। ओहो, आपस में प्यार मोहब्बत चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। प्यार मोहब्बत बना रहना चाहिए। सबको नमस्कार, सबको गुड आफ्टरनून जी। चलिए एक बार जल्दी से कोई भी बच्चा मुझे कंफर्म कर दो कि मैं ऑडिबल और विजिबल हूं या नहीं। प्लीज कंफर्म वेदर आई एम ऑडिबल और विजिबल और नॉट। मेक इट फास्ट एवरीवन, जल्दी से कंफर्म करिए। तब मैं ऑलरेडी लेट कर चुका हूं आप लोगों को। जल्दी से सबको गुड आफ्टरनून, सबको नमस्कार जी। मैं एक बार पहुंच जाऊं जहां जिस टॉपिक को हमें आगे ले चलना है। मैंने स्लाइड्स डिलीट नहीं किए हैं क्योंकि ये सारा ही पीडीएफ आपको भेजना होगा जी। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द ऑडियो एंड वीडियो क्लैरिटी। जस्ट गिव मी वन मोर मिनट, लेट मी ब्रिंग ऑन टू द स्लाइड दैट शोज मी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है बच्चों। अभी बताता हूं, अभी बताता हूं तुरंत। जस्ट एक सेकेंड और, वन मोर मिनट आई विल टेक। लेट मी जंप ऑन टू द स्लाइड। चलो, सबको सबको गुड आफ्टरनून, सबको नमस्कार, सबको गुड आफ्टरनून, सबको नमस्कार जी। सरप्राइज ये है कि आप सब मिलके स्वागत करें राफत आरा का, जो जनवरी के बाद आज दर्शन हुए हैं जिनके जी। I can find Rafat Ara in the comment section. She once joined the class in January. January, I think it was around 10th or 11th of January, and then I can see her now on the YouTube in my session. चलो, बहुत बहुत स्वागत सारे बच्चों का, साथ में राफत आरा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, आदिल, दिव्या, दिशा, शबाहत, फातिमा, शहीद जी। बिल्कुल होगी बेटा क्लास, आप लगता है कट लिए। चलिए, हाँ ये देखना, प्रगति को देखो। चलो डन, तो शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। मैं बिल्कुल बढ़िया, हमेशा की तरह बिल्कुल एकदम ठीक ठाक, ठीक है। चलिएगा, आगे बढ़िए और वन बाय वन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो मैं क्वेश्चन सीधा आपके सामने लाता हूं, अपना ब्रेन अप्लाई करते चले आर्टिकल्स के लिए। और जो भी कुछ थोड़े बहुत मेरे कंट्रीब्यूशंस होंगे, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया होगा, उसको भी जोड़ते चलिएगा और फटाफट। अरे ना, राफत नेवर माइंड बेटा, मेरा ये पर्पस नहीं था, मैंने खुश होके बोला है, मैंने खुश होके बोला है। चलो आ जाओ जी। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन। चलो जल्दी बोलो। नहीं नहीं, परेशान नहीं होना है राफत, परेशान नहीं होना बेटा, मेरा ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं था। यू टेक योर टाइम। अब अपना प्रिपरेशन जैसे करते हैं वैसे करते चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें जी। हाँ बिल्कुल, सॉरी थैंक यू वाला अपना कोई चक्कर नहीं बेटा, अपना चक्कर बिल्कुल एक परिवार की तरह, हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिएगा। हाँ आदिल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी। चलो जल्दी से आए और फटाफट क्वेश्चन के आंसर्स करना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने। हिमांशी का आंसर आ चुका है, जल्दी से देखो और जल्दी से जवाब दो। क्वेश्चन कहता है इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस। तो सबसे पहले ये चेक करिए यहां पर हु क्या है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु क्या है? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है? किसी को रिलेट करना। तो जब आप किसी को रिलेट कर रहे हैं मतलब वो डेफिनेट चीज है, और जब चीजें डेफिनेट होती हैं तो हम वहां पर डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। तो आप ए को रिप्लेस कर देंगे द से जी। संध्या चौहान जी, गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिमरन बहुत बढ़िया, हिमांशी बहुत बढ़िया, शाबाश, टिंकू बहुत बढ़िया जी। सरिता अग्रहरी जी, गुड आफ्टरनून। बात आ गई समझ में? रिलेटिव प्रोनाउन था तो मतलब ये इंसान कोई आम तो है नहीं, तो डेफिनेट है, तो जब डिफाइंड है वहां पर हम द लगाएंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा। क्वेश्चन नंबर टू एवरीवन, फटाफट देखते चलो जी, जल्दी बोलिएगा। इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर द पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रगति, दिशा, एंजेल, बिल्कुल करेक्ट। चलो जल्दी से आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट करें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिशा दिशा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ज्योति गुड आफ्टरनून। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज, दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। जल्दी से आंसर करें और बताए यहां पर। देखो आप जान रहे हो हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्टिकल्स का पंगा है इधर सारा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसके हैं, आर्टिकल्स के हैं, तो एरर कहां होगा, ए एंड द में। तो जल्दी से देखें और जल्दी से करें। जी यहां क्या कहना चाह रहा है कि जब भी कोई वॉर होता है, जब भी कोई वॉर होता है तो हमें क्या पता चलता है, ये कितना बुरा था। जब भी कोई वॉर होता है तो हमें पता चलता है ये कितना बुरा था। तो आपको मैंने बताया हुआ है बच्चों कि एनी के सेंस में ए और एन का यूज करते हैं, एनी के सेंस में ए और एन का यूज करते हैं। तो यहां द की जगह ए लगा दीजिएगा, ए मतलब एनी। यहां ए इक्वल्स टू एनी है। ये आपको मैंने बताया हुआ है कि किसी भी कोई भी जब युद्ध, कोई भी जब वॉर, कोई भी वॉर जब खत्म होता है तब लोगों को समझ में आता है कि ये कितना बुरा था। जब वो उसके लॉसेस देखते हैं, ह्यूमन के नाम पे लॉस, इकोनॉमिक लॉस, कंट्री का लॉस। बात आई समझ में, हाँ या ना। इट इज टॉकिंग अबाउट एनी वॉर, एग्जैक्टली, इट इज टॉकिंग अबाउट एनी वॉर। The reason why we will replace this article the with a. Come on, next question everyone. I hope my words are making sense to you. I hope my words are making sense to you all. है ना। चलो next देखिएगा, of the two. ओहो, ये तो मैंने adjective में भी पढ़ाया हुआ है। जी ये वाला मैंने आपको एडजेक्टिव में भी पढ़ाया हुआ है। तो जल्दी से बताएं यहां पर आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। Of the two answers, this is definitely better. Of the two answers, हाँ बिल्कुल सिमरन 100% करेक्ट बेटा, है ना। अगर कोई डेफिनेट वॉर होता है ना, आप वर्ल्ड वॉर का नाम ले लें, सियाचिन या किसी भी वॉर का आप नाम ले लेंगे तो वहां पे द आएगा, बिल्कुल द आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सिमरन। यहाँ जनरल वॉर की बात चल रही है कि कोई भी लड़ाई होती है तो कोई के सेंस में ए आप यहाँ पे पुट कर दे, वो ठीक रहेगा। चलिए जल्दी बताइए, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर, दिस इज डेफिनेटली बेटर। आपको यह भी मैंने बताया हुआ है कि कॉम्पेरेटिव डिग्री में आप जब ऑप्शन या चॉइस की बात करते हैं, है ना, जहां सिलेक्शन की बात है, दो में से एक को चुनना है, दो में से एक को चुनना है, तो वहां कॉम्पेरेटिव डिग्री के पहले हम द लगाते हैं, वहां कॉम्पेरेटिव डिग्री के पहले हम द लगाते हैं। ये एडजेक्टिव वाले में बताया हुआ और आप सबके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं, है ना। वहां कंपैरिजन दो तरह का मैंने आपको बताया था, एक नॉर्मल कॉम्पेरेटिव कंपैरिजन, दूसरा सिलेक्शन और ऑप्शन वाला कंपैरिजन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए गोलू शर्मा कहते हैं एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आता। क्यों नहीं आता बच्चे, बिल्कुल आता है ना। आप कहते हो ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, है ना। तो बेस्ट क्या है, क्या ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव नहीं है और क्या इसके पहले आने वाला ये आर्टिकल नहीं है। गोलू जी थोड़ा सा समझते चलिएगा बच्चे साथ में, है ना। हम एडजेक्टिव के पहले बिल्कुल आर्टिकल लगाते हैं, हर हाल में लगाते हैं। चलो आगे आओ, यहाँ पे द बेटर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। He is unfortunate. He is unfortunate enough to lose few friends she made during his stay in Patna. चलिए बताइएगा जी, जल्दी जल्दी, स्पीड में स्पीड में, स्पीड एक्यूरेसी दोनों बनाकर रखिए, फटाफट आगे बढ़िए। चलिए जल्दी बताइएगा। He is unfortunate. He is unfortunate enough to lose few friends. बिल्कुल बिल्कुल सिमरन, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलो जल्दी से देखो, ही इज अनफॉर्चुनेट एनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड शी मेड। यहां क्या कीजिएगा जल्दी बताइए जी, जल्दी से जल्दी से जल्दी बताइएगा, है ना। ये आप लोगों को एडजेक्टिव के टाइम में मैंने बताया। ओए, अच्छा ऐसे ना करो बे, कहाँ चले जी? आप लोगों को ये मैंने बताया हुआ है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इसका डिफरेंस आपको समझाया हुआ है। और मैंने क्या समझाया है आप भी समझते होंगे। फ्यू कहते हैं बिल्कुल नेग्लिजिबल को, जो बिल्कुल नहीं के बराबर हो। अ फ्यू मतलब होता है थोड़ा, जिसको आप सम कह सकते हो काउंटेबल में। और द फ्यू का मतलब है जितना है उतना ही। आप इसको कह सकते हैं ऑल अवेलेबल, ऑल अवेलेबल। क्लियर है बात, है ना? तो यहां क्या मीनिंग बन रहा है? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके जो भी फ्रेंड्स बने थे, उसके जो भी फ्रेंड्स बने थे मतलब जो भी फ्रेंड्स थे। तो यहाँ पे द फ्यू का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर द फ्यू का कॉन्सेप्ट है। बात आई समझ में? हाँ या ना जी? बात आई समझ में? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया जी। आकांक्षा जी नमस्कार, नेहा जी नमस्कार। क्लियर है? क्लियर, बात समझ में आ गई जी? चलो शाबाश, तो आगे बढ़ो, है ना, आगे बढ़िएगा। और पटना में जो लोग द लगा रहे हैं, तो आपको मैंने बताया है, बहुत पहले ये सब बातें बताई है। एक सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग एरर होता है, एक सेंटेंस में वीक एरर होता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग एरर को फॉलो करें जी। कविता देशवाल जी नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते, नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जल्दी से जल्दी से, स्पीड बनाए रखिएगा और फटाफट आंसर करते चलिएगा जी। There were a number of pretty girls in the party, but it was Ragini who remained a center of attraction. जी बिल्कुल 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 सिमरन, सिर्फ फर्क कितना है बेटा कि ये जो few वाला है ना, ये countable noun के साथ आता है। few वाला काउंटेबल नाउन के साथ आता है, और ये जो लिटल है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। बाकी दोनों की सारी कहानियां सेम है, बाकी दोनों की सारी कहानियां सेम है सिमरन, है ना? फ्यू और अ फ्यू, द फ्यू, सिमिलरली लिटल, अ लिटल, द लिटल। चलो, अब एक बात और याद रखना, जहां पर आपको सेंटेंस में, जहां पर आपको सेंटेंस में नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाला स्ट्रक्चर मिले, जहां पर आपको सेंटेंस में नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाला स्ट्रक्चर मिले, वहां हम पहले वाले नाउन के पहले द लगाते हैं। वहां हम पहले वाले नाउन के पहले द लगाते हैं। तो आप चेक करके देखिएगा, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो इसके पहले ए नहीं आएगा, द आएगा। जहां भी आप ऐसा स्ट्रक्चर देखें, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, वहां पर आप ए की जगह द लगाइएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे धुआं धुआं उड़ा दिए हो वे। चलो, समझ में आ गई बात, हाँ या ना? क्लियर है? चलिएगा, तो आगे बढ़ते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ। डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ। चलो जल्दी बताओ, जल्दी से। आई हैव, सॉरी, I have been, जी पूजा चोपड़ा गुड आफ्टरनून। I have been informed that Dr. Sinha visits Patna the following month. Visits Patna the following month. ना संध्या, ये कंपल्सन नहीं है, संध्या ये कंपल्सन नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ पर नो एरर वाला ऑप्शन नहीं लाता। किसी किसी में आपको नो एरर भी मिलेगा, याद रखिएगा, है ना? तो नो एरर वाले भी कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। बस पढ़ते चलिए, समझते चलिएगा, ठीक? याद बस ये रखना है, ये टॉपिक जो हम लोग कर रहे हैं वो आर्टिकल से रिलेटेड है। तो इन क्वेश्चंस में अगर एरर होगा, आई रिपीट माय स्टेटमेंट, इन क्वेश्चंस में अगर एरर होगा तो वो आर्टिकल से जुड़ा हुआ ही होगा। क्लियर जी? I have been informed that Dr. Sinha visits Patna the following month. बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई भी एरर नहीं है. बिल्कुल गोलू, नो एरर, बहुत बढ़िया. नितिश जी गुड इवनिंग, बहुत दिन बाद नितिश जी आए हैं. चलिए डन जी. विशु किमनी जी गुड आफ्टरनून, नमस्कार. हाथ जोड़कर विशु किमनी जी नमस्कार. चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े. चलिए आगे बढ़िएगा जल्दी से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7. He is the best artist of the time but unfortunately least recognized. But unfortunately least recognized. चलो जल्दी बताओ, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 देखें, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फटाफट आंसर कीजिएगा. कोई बात नहीं सोनी, कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना बेटा. ये कोई आर्मी की ट्रेनिंग थोड़ी है कि एकदम टक करके टाइम पे पहुंचना है. मैं खुद 15-20 मिनट लेट हो गया, कोई डिस्कशन चल रहा था उस चक्कर में, है ना, इसलिए मैं आपको लाइव चैट में रोकते रहता हूं. चलिए मुबारक मुबारक, बधाइयां पटाखे. नीतीश जी आपका पेपर आ गया है, मंडे को एग्जाम है, फ्राइडे को आप क्लास में आए, इससे बढ़िया क्या बात होगी, मजा ही ला दिया आपने. चलो देखो, एक बात तो हम सारे लोग जानते हैं, एक बात हम सारे लोग जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं. सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं. अब देखो यहां पर दिया हुआ है बेस्ट के पहले आपने द लगाया, हाँ या ना, बेस्ट के पहले आपने द लगाया, तो यहां भी लीस्ट के पहले आपको द लगाना है ना, यहां भी लीस्ट के पहले आपको द लगाना है. बस इतना ही एरर है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोगों को द लगाना है. ठीक डन, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्लियर है. चलिए आगे आइए. आई होप चीजें समझ में आ रही है ना. My words are making sense, my explanations are making sense to all of you, yes or no? चलो जी, विशु किमनी जी 100% करेक्ट आंसर है बच्चे आपका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विशु किमनी जी. चलिए आगे बढ़िएगा और क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8. चलो तुम लोग के आपस का गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग खत्म हो गया हो तो क्वेश्चन पे आ जाओ, ऐसा लग रहा है कुंभ के भीले भूले बिसरे भाई बहन मिल रहे हो. चलो, he said that he felt nervous because a friend of his had given him a very bad news. चलो जल्दी से बोलो जी. नेहा, 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 हम लोग कल एक्चुअली 5 बजे क्लास हुई थी, 5 से 6 क्लास जरूर हुई थी, थोड़ा लेट हो गया था, एक ऑफलाइन क्लास इमरजेंसी में लगानी पड़ी थी. बहुत क्षमा प्रार्थी हैं हम इस बात के लिए, बहुत क्षमा प्रार्थी हैं आप. तत्काल अगला क्वेश्चन करें जी, अगला क्वेश्चन करिएगा. ये देखो एक मुंह चिढ़ाने वाली लड़की आई है जिसका नाम है मोहम्मद आदिल अंसारी. ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस, ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस, जल्दी बोलो जी. he said that he felt nervous because a friend of his had given him a very bad news. a very bad news, जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी बताइएगा. he said that he felt nervous because a friend of his had given him. क्या कीजिएगा यहां पे जी, अरे इतना लेट क्यों, कहाँ हैं बच्चे, कहाँ हैं, जल्दी से. वॉरियर, सिमरन, सरिता, कहाँ हो, गोलू, जल्दी जल्दी जल्दी. चलिए 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 जी. सुषमा जी नमस्कार, चलो जल्दी आओ जल्दी आओ. अरे नो एरर कैसे, ऐसा ना करो, बेइज्जती मत कराओ. ये देखो जल्दी से, नो एरर कह रहे हैं. न्यूज़ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है. न्यूज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल्स आते हैं क्या, अनकाउंटेबल नाउन्स के. अरे 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 देखना, सिमरन बेइज्जती करवा रहे हैं ये लोग. अवनी धुरान गुड आफ्टरनून, चलो देखो जल्दी से, मुझे जल्दी करेक्ट करके दो. न्यूज क्या है, न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, और आप लोग जानते भी थे और रूल्स में मैंने बताया भी है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना. क्या करोगे, बस इसको हटा दो, यहां से इसको हटा दो, ठीक है। सॉरी, चलो जल्दी आगे बढ़ो। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत परेशानी? तो थोड़ा हमें भी खिला देते सुषमा, हमने क्या बिगाड़ा है, हमें भी भूख लग रही है, थोड़ा हमें भी खिला दो। कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल सिमरन, रिमूव ए, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं जी। आकांक्षा, बहुत बढ़िया। टिंकू, कोई बात नहीं, रिवीजन रिवीजन करते चलिएगा ना, छोटी छोटी चीजें हैं। अरे बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं प्रगति, ऐसा बिल्कुल नहीं। बेइज्जती वाली क्या बात है बेटा, है ना। रिवाइज नहीं किया इसलिए नहीं याद है, तो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेंगे, है ना। ये ज्यादा पॉजिटिव बातें हैं, पॉजिटिव रहिए लाइफ में। चलो जल्दी देखो। आई डू नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स। देखो सही बात है, आ गई ना बात। दूसरों में कमियां नहीं निकालनी चाहिए, दूसरों में कमियां नहीं निकालनी चाहिए। जल्दी बताइए जी, जल्दी तुम बताओ, मैं जरा हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करता हूं। जी आंसर दो, जल्दी से आंसर दीजिएगा। मैं ऐसे ही कुछ कुछ लिख रहा हूं, अपना हाथ साफ कर रहा हूं, मैं ऐसे ही कुछ कुछ लिख रहा हूं। अरे अरे सुषमा, आई एम ओवरवेल्म्ड बेटा, ओवरवेल्म्ड। चलो देखो, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन, है ना, हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स। याद रखिएगा, ये जैसे इडियम्स है ना, छोटे छोटे फ्रेजेस हैं। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, इनके बाद आने वाले नाउन्स। जी एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। क्लियर है बात क्लियर है। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, इसके बाद जो भी नाउन आएगा ना, उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता। नो आर्टिकल इज प्लेस्ड विद एनी शॉर्ट ऑफ नाउन दैट इज प्लेस्ड राइट आफ्टर टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ। ये याद कर लीजिएगा जी। चलो जल्दी से देखो और जल्दी बताओ। तो क्या कीजिएगा यहां पर आप, ये जो आपका ए है इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, बात खत्म। और प्लीज रूल लिख लीजिएगा, मैंने आपके लिए रूल लिख दिया है कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। द पॉइंट इज क्लियर, इज दैट ओके टू एवरीवन? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी देखो। He claims to be a linguist. क्या बात है, ज्ञानी है, भाषाविद है। He claims to be a linguist, but in reality he does not know even the ABC of the linguistics. क्या बात है, ये तो बेइज्जती कर दी इन लोगों ने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, दिशा सैनी, ज्योति सिंह, विशु किमनी, बिल्कुल ठीक, एकदम 100% करेक्ट आंसर है, 100% करेक्ट आंसर है जी। ही क्लेम्स टू बी ए लिंग्विस्ट, मतलब वो अपने आप को भाषाविद कहता है। एग्जैक्ट हिंदी आई डू नॉट नो, मतलब मान लीजिए जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं, बट इन रियलिटी, सच्चाई क्या है कि ही डज नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक्स मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो चलिए जल्दी बताइए क्या होगा, क्या करना है, आर्टिकल का एरर ढूंढना है, आर्टिकल का एरर। जल्दी बताएं। अरे ये वो इडियम है, ये इडियम है बच्चे, इसको नहीं छेड़ना, इन सब को नहीं छेड़ना। ऐसा नहीं कि जहां आर्टिकल देखो वहीं हमला करना शुरू कर दो, इनको नहीं छेड़ना है। अरे ये उड़ा देंगे, वो उड़ा देंगे, एकदम बिल्कुल ही गर्दा मचा रखा तुम लोगों ने जी। चलो जल्दी बोलो, जल्दी। कोई कह रहा है रिमूव द, कोई कह रहा है ए उड़ा देंगे, है ना जी। जल्दी, ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्ट बट इन रियलिटी ही डज नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ये तो देखो अपने आप में इडियम है, ये द एबीसी ऑफ अपने आप में इडियम है, जिसका मतलब है होता है बेसिक्स, साधारण बातें, बेसिक्स साधारण बातें, है ना, बात आ रही है समझ में। तो ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बट इन रियलिटी ही डज नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ लिंग्विस्टिक्स। साफ सुथरा सेंटेंस है, बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। संध्या चौहान, टिंकू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश जी। आकांक्षा, बहुत बढ़िया, बात आई समझ में, है ना। इडियम को तो वैसे भी नहीं छेड़ना, है ना, इडियोमेटिक यूसेस होते हैं आर्टिकल के, हम उसको वैसे भी नहीं छेड़ते हैं। क्लियर, चलो, आई होप किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, है ना जी। आदिल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हिमांशी, बहुत बढ़िया। हाँ नेहा, लिंग्विस्टिक्स ऐसे भी चलता है, जनरली सब्जेक्ट के नाम के पहले हम द नहीं लगाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, उसी तरह लिंग्विस्टिक्स। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 11, ओहो कोई बात नहीं, अरे रॉन्ग वॉन्ग कुछ नहीं होता, पॉजिटिव रहिए लाइफ में। आपने एक नई बात सीखी कि वो इडियम था, आपने एक नई बात सीखी कि इडियम के आर्टिकल को हम नहीं छेड़ते। क्यों क्यों रॉन्ग क्यों हुआ? रॉन्ग नहीं हुआ। यू हैव लर्न्ड अनदर गुड थिंग दैट वी डू नॉट रिमूव आर्टिकल फ्रॉम इडियम्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो? चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। काउंटेबल नाउन है गोलू जी, काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के पहले ए लगाइएगा ना। ही एक आदमी की बात हो रही है, और अगर आप काउंटेबल नाउन ही इज अ प्लेयर, तो प्लेयर के पहले ए लगाया। ही इज अ पोएट, पोएट के पहले ए लगाया। ही इज अ राइटर, राइटर के पहले ए लगाया। तो ही इज अ लिंग्विस्ट, है ना, ही इज अ लिंग्विस्ट। बात आई समझ में? क्लियर है गोलू शर्मा जी, बात क्लियर है, हाँ या ना? चलो जल्दी से यहां देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा जल्दी से क्या करना है। द रिमेडी लाइज इन प्रोमोटिंग प्रोमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिज्म। बहुत ठीक बात, बहुत ठीक बात। ये ह्यूमैनिज्म क्या है? तो आप कहेंगे सर नाउन है, मान लिया जी आपकी बात। ऑफ आपका प्रेपोजिशन है, वैल्यूज क्या है? नाउन है। तो आपको पता तो है ही कि जहां भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो उसके पहले आपको पहले वाले नाउन के पहले द लगाना है, पहले वाले नाउन के पहले द लगाना है। संध्या, कभी कभी होगा, मैं ये हर बार कहता हूं, आपको कभी कभी लगेगा कि दो एरर है, तो ध्यान क्या देना, जो बड़ा एरर दिखे ना, जो ज्यादा बड़ी गलती है, इसलिए मैं चर्चा करता हूं स्ट्रॉन्ग एरर, वीक एरर। जैसे एक क्वेश्चन में सारे बच्चे पटना के पहले द लगा रहे थे, मैंने वहां भी ये बात बोली कि एक क्वेश्चन में दो एरर हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा रूल्स के अकॉर्डिंग कि बड़ा वाला एरर क्या है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां भी क्या करेंगे, नाउन के पहले आप द लगा देंगे, है ना। द रेमेडी लाइज इन प्रोमोटिंग द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कॉम्बैट द अपकमिंग, द ऑन कमिंग ब्रांड ऑफ फासिज्म। जी बॉय, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गर्दा गर्दा उड़ा दिए हो बे। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आप। देखें क्वेश्चन नंबर 12 जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। ये सिमरन, देखो तुमको पूजा दीदी कह के तुमको सीनियर फील करा रही है कि तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है, देख रहे हो। ये इनडायरेक्ट तरीका है किसी को बताने का, यू आर गेटिंग ओल्डर। देख लो, मैं नहीं कह रहा ये। चलो हाँ, इसके लिए मोहम्मद आदिल अंसारी, गर्दा वाला टर्म समझने के लिए आपको ऑफलाइन क्लास में आना पड़ेगा, तब बेहतर आप समझ पाएंगे। चलो आ जाओ जल्दी से, यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, दोनों बातें याद रखिएगा। दो ये सारे के सारे इडियम में, सेट ऑन फायर या ऑन फायर, ये सारे के सारे इडियम हैं। इनमें हम आर्टिकल नहीं चिपकाते हैं, इनमें हम आर्टिकल नहीं चिपकाते हैं। सेट ऑन फायर होता है, सेट ऑन फायर जी। चलो 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 जल्दी से, हाँ हाँ जल्दी 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट फटाफट बच्चों, फटाफट चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। चलो हाँ, तो ऐसे ऐसे किसी को तुम सीनियर फील कराओ ऐसे देखो कोई बात नहीं। सिमरन सिमरन इज ओके विद इट, तो तुम जो मर्जी बुलाओ। चलो आ जाओ जी, चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो भगवान कसम यहीं से मैंने गोली चला देनी है हवा में, जिसको लगनी होगी लग जाएगा। चलो, अ फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सॉल्यूशन to any problem is the recognition of the fact that a problem exists. चलो जल्दी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी इधर बताओ, इधर एरर बताओ, एरर स्पीड बना के रखो, स्पीड बना के। 30 मिनट में 12 क्वेश्चन हुए, 30 मिनट में मात्र जी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए क्या है कहानी। इधर फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सॉल्यूशन, in a rational solution to any problem is the recognition of the fact that a problem exists. जल्दी, कहां पे द हटाना है भाई, कहां पे द हटाना है। तुम लोग कितनी जल्दी भूलते हो ना। बिल्कुल ठीक, ये देखो विशु किमनी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। विशु किमनी जी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है जरा बताना, तुम लोग को पूरा एडजेक्टिव में पढ़ाया है, कार्डिनल ऑर्डिनल सारा पढ़ाया हुआ है। आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ है मैंने, कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं जी, है ना। फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हम लोग द आर्टिकल लगाते हैं, तो ए को रिमूव करिए, यहां पर द लगाइए, ए को रिमूव करके यहां पर द लगाइए जी। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए उड़ाना है, द लगाना है, उड़ा दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्लियर है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो वर्ड आपको ऑर्डर बताए, रैंक बताए, वही है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और इन्हीं के पहले हम लोग लगाते हैं द। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पजेस्ड प्रूव्ड टू बी अ बॉर्न फॉर हिम when he was utterly helpless, when he was utterly helpless. चलो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए जी। कोई बात नहीं नेहा, कोई बात नहीं आपसे। चलो एरर सॉल्व अगर नहीं हो पा रहे हैं आर्टिकल्स के, तो सुन के समझ में आ रहा है ना, सुन के समझ में आ रहा है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव है तो द लगाना चाहिए, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है तो पहले वाले नाउन के पहले द लगाना चाहिए, ईडियम के अंदर से हटा और लगा नहीं सकते। बेसिक बेसिक बातें समझ में आती हैं, है ना। देखो, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पॉजेस्ट, मतलब उसके पास म्यूजिक का जितना भी नॉलेज था, उसके पास म्यूजिक का जितना भी नॉलेज था, तो जितना के सेंस में हम लोग द लगाते हैं, द लिटिल नॉलेज, मतलब उसको म्यूजिक का जितना ज्ञान था, उसको म्यूजिक का जितना ज्ञान था जी। द लिटिल, द लिटिल, द लिटिल, बात आ रही है समझ में। अभी बताया ना कि द लिटिल का मतलब भी होता है कम। दो बातें थी, अभी हमने चर्चा की थी इसकी, अभी सिमरन ने ये क्वेश्चन पूछा भी था, है ना, कि द लिटिल और द फ्यू, इन दोनों का मतलब क्या होता है। हिंदी में कहते हैं जितना है उतना ही, है ना, जितना है उतना ही, मतलब ऑल अवेलेबल, जितनी भी जानकारी उसको म्यूजिक के बारे में थी, जितनी भी जानकारी उसको म्यूजिक के बारे में थी, इसलिए जितने भी के सेंस में यहाँ पर आप लिटिल के पहले द लगाएंगे। जब बहुत कम की बात कर रहे होते ना तब अ लिटिल लगाते हैं, मतलब बहुत कम, और लिटिल मतलब नहीं के बराबर, लिटिल मतलब नहीं के बराबर। हाँ तो क्या करें, अब मुझे ही सिमरन मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है ना, कि मैंने क्या पढ़ाया, इन लोगों ने क्या सीखा, है ना। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं कभी कभी। चलो आ जाओ, जल्दी से आगे बढ़े, आगे बढ़े, हाँ या ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से। आकांक्षा ऊपर देखो, सिमरन ने जवाब दे दिया है। आप दोनों के नाम में एक चीज कॉमन है, हैशटैग बच्चा पार्टी, स्पेलिंग अलग अलग है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सिमरन, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। एक अलग से छोटा सा 10 मिनट का सेशन बना दूंगा इस पे, बिल्कुल परेशान नहीं हो। अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिट पे अलग से छोटा सा सेशन बना दूंगा 10 मिनट का। एक ही बात है बेटा, एक ही बात है। नेहा देखो, पहले तो किसी टीचर का नाम नहीं कोट करते बेटा, है ना। दोनों बात एक ही है। मैंने भी तो आपको यही बोला, मैंने भी आपको यही बोला, ऑल अवेलेबल। ऑल अवेलेबल मतलब जितना है उतना, जितना है उतना। आप इसको सारे का सारा कह सकते हो, है ना, जितना है उतना, है ना, मतलब जितना अवेलेबल है। आपने बोला, आपको पापा ने बोला कि बेटा चेयर्स ले आओ, 100 आदमी आपके घर में आ गए, पापा ने बोला कि चेयर्स ले आइए, तो आप देख रहे हो 100 आदमी है, तो पापा क्या बोलेंगे, जितना है उतना ही ले आओ, मतलब सारे का सारा ले आओ। नेहा बात क्लियर है, हाँ या ना। नेहा बात क्लियर है, हाँ या ना, बात आई समझ में। नेहा बात क्लियर हुई कि ये दोनों सेम बात है, ऑल अवेलेबल मतलब जितना अवेलेबल है सारा ले आओ, तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ठीक क्लियर है। मैं करा दूंगा, मैं एक छोटा सा सेशन ही ला दूंगा सिमरन, कोई बात नहीं। चलो अब यहां पर देखो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 बोलो, डू नॉट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर। डू नॉट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर। तो ये भी जानिएगा, है ना, इन अ टेम्पर होता है, इन अ टेम्पर होता है, इन अ टेम्पर। बात आई समझ में। तो आप यहां भी रिमेन्स इन के बाद लगा दीजिएगा इन अ टेम्पर। आप इसको और भी चीजें जान लो, जैसे हम कहते हैं इन अ मूड, कोई बहुत ज्यादा गुस्सा है तो हम कहते हैं इन अ रेज, इन अ रेज। इसी तरह यहां भी आप इन के बाद ए लगा दीजिएगा, काम चल जाएगा, इन अ टेम्पर। जी क्या हो गया, यहाँ सिमरन देखो क्या चल रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से आगे बढ़िएगा, आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन अ टेम्पर वहां लगा लेना, और ये सब प्लीज लिखते चलना, ये सब प्लीज लिखते चलना, ये कहीं भी आपको टकरा सकता है, ठीक है। चलो थैंक यू संध्या, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द अप्रिशिएशन। और पहली बार आप आए हैं तो बिल्कुल स्वागत है आपका। अध्ययन मंत्रा का ही चैनल है, एंट्रेंस विजार्ड इसी पे। हाँ, चेहरा एक ही है, टी शर्ट एक ही है, नाम अलग अलग है। ही बोस्ट्स ऑफ मतलब हवाबाजी करना, ही बोस्ट्स ऑफ हैविंग गुड नॉलेज, हैविंग गुड नॉलेज। अब यहाँ क्या कीजिएगा जी, जल्दी से बोलो यहाँ क्या करेंगे, जल्दी जल्दी। ऐसे एक क्वेश्चन का आंसर सिमरन ऑलरेडी कमेंट में कर चुकी है प्रगति। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिवीजन करना कोई फर्क नहीं पड़ता, चिंता ना करो, और क्वेश्चंस आ जाएंगे, और क्वेश्चंस आ जाएंगे जी। चलो कोई बात नहीं, एकदम निश्चिंत रहो, और प्रैक्टिस कर लेंगे, और क्वेश्चंस कर लेंगे। कुछ टाइम बाद फिर से आर्टिकल को बोलोगे तो नए तरीके से पढ़ा दूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बच्चे। ही बोस्ट्स ऑफ हैविंग, ही बोस्ट्स ऑफ हैविंग अ गुड नॉलेज, अ गुड नॉलेज। ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन इसके पहले आ गया एडजेक्टिव, वैसे भी अ गुड नॉलेज, ये सब ईडियम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, यहां सब्जेक्ट वाली ही बात है। पहले तो इस भाई साहब को कैपिटल कर दो, इज्जत लेके चले जाएंगे मेरी ये वरना। क्लियर है? चलो जल्दी से देखो, 16 में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो बताओ जी। वैसे तो नॉलेज आपका अनकाउंटेबल है, वैसे तो नॉलेज सच में अनकाउंटेबल है, लेकिन इडियोमेटिक यूसेस में हम लोग अ गुड नॉलेज लिखते हैं। डन है ना? जहां नॉलेज का मतलब होगा ज्ञान। जैसे देखो, ये भी याद रखो, सही बात है, जैसे आपको सीधा नॉलेज का मतलब ज्ञान की बात करनी हो तो नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। अब यहां देखो, यहां ये अनकाउंटेबल है, ये इडियोमैटिक यूज का हिस्सा नहीं है, ये इडियोमैटिक यूज का हिस्सा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशु किमनी जी, सब समझ में आ रहा है? चलो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आकांक्षा, सुषमा, दिशा, नेहा, सरिता जी, सिमरन, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 17। It was by a mistake that he caught. It was by a mistake that he caught her hand. अच्छा, गलती से हाथ पकड़ लिया, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच विशु किमनी जी। मैं हमेशा कहता हूं कि अ टीचर इज एज गुड एज द स्टूडेंट। आप लोग खुद इतने अच्छे हैं कि टीचर, आपको टीचर की बातें समझ में आती हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर द अप्रिशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इट वाज बाय अ मिस्टेक, इट वाज बाय अ मिस्टेक। गोलू, एक बार प्लीज आर्टिकल वाली क्लास देख लो ना। आप क्लास देख लोगे तो वहां ये सारे रूल्स मैंने बताए हुए हैं, है ना। अब प्रैक्टिस सेशन में अगर मैं बार बार एक्सप्लेन करूंगा पिछला रूल तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा। बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक अपने आप में एक ईडियम है ना। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ईडियम में ना हम आर्टिकल घुसा सकते ना उससे निकाल सकते, है ना। तो यहां से बाय हटा, ए हटा दीजिए, मैं बाय हटा रहा हूं, यहां से ए हटा दीजिएगा। इट वाज बाय मिस्टेक मतलब गलती से, दैट ही कॉट हर हैंड जी। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। जल्दी से आइए, आगे बढ़िए, आगे देखिए और क्वेश्चन नंबर 18 पे जंप कीजिएगा। 18, चलो जल्दी बता दो। हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ए रिमूव कर देंगे पूजा जायसवाल जी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, यहां क्या करिएगा, आप आंसर करें, तब तक मैं कुछ कुछ लिखता हूं। इन डेंजर, इन डिमांड, इन कंफ्यूजन, इस तरह के बहुत सारे फ्रेजेस आपने देखे होंगे, है ना। इसी में आप चाहो तो इन ट्रबल भी ऐड कर सकते हो। ये सब बहुत फेमस फ्रेजेस हैं जो अक्सर हम लोग यूज करते हैं। तो बात तो समझ में आ ही गई होगी, बात तो समझ में आ ही गई होगी। अच्छा, थैंक यू विशु किमनी जी, आपके पास भी सेम बॉटल है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बॉटल है ये, है ना, बहुत बढ़िया। आपके पास भी सेम बॉटल है, चलो बहुत बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या करना है, याद आपको ये रखना है, इन डेंजर, इन डिमांड, इन कंफ्यूजन और इन ट्रबल, इस टाइप के बहुत सारे इडियम्स आपको। हाँ अमित, बिल्कुल, इन हार्मनी भी, बिल्कुल ठीक बात है ना। चलो बिल्कुल करेक्ट है, चलिएगा नेक्स्ट चले। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंच के रुकते हैं। जल्दी 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 सारे बच्चे थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा जी। चलो जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 19, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशंस। चलो फटाफट बोलो, जल्दी से बोलो। क्वेश्चन नंबर 19 जी। मैं कुछ कुछ लिखता हूं, ठीक, आप देखो। चलिए बोलिएगा, कोई बच्चा है? हाँ, अनु 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 अनु, आप तो बहुत दिन बाद आए हैं बेटा। आपकी एक डिमांड थी अनु सबल कि पैरा जंबल कैसे अटेम्प्ट करें, उसकी 2 क्लासेस चलाई मैंने और पैरा जंबल के PYQs की 5 क्लासेस चलाई 100 क्वेश्चन की। वो आपके डिमांड पे आया था, 7 क्लासेस हुई थी आपके डिमांड पे अनु सबल। चलो जल्दी बोलो, यहाँ क्या करोगे, है ना? टेक एक्शन, टेक हार्ट, इसी तरह आप लिख सकते हैं। एक और चाहो तो टेक केयर, है ना? तो इन सब को ध्यान रखिएगा, इन सब में हम द नहीं लगाते हैं, ठीक? तो क्या है आपका करेक्ट सेंटेंस होगा, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक हार्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशंस एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। जी हाँ चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको याद रखना, इसको याद रखिएगा। टेक हार्ट, इसी तरह इसी में एक जोड़ लो, लूज हार्ट। ये भी आपको एक है जो क्वेश्चन में पूछता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल कहिए। हुकुम हुकुम, आदेश कीजिए सिमरन कौर जी, जल्दी से। ये याद रखना, टेक केयर, टेक एक्शन, टेक हार्ट और लूज हार्ट, ये सारे अपने साथ द ए वगैरह नहीं लेते हैं। चलो आ जाओ लास्ट क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना? चलो 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 जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करें। अच्छा ठीक है, मैं सिमरन कोशिश करूंगा, जल्दी में क्लॉजेस ले आता हूं। आप क्लॉजेस के बारे में यही कहना चाहते हैं ना, नाउन क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस, एडवर्ब क्लॉजेस और साथ में सेंटेंसेस वाली भी कैटेगरी शायद। तो ये करा दूंगा, बिल्कुल करा दूंगा, बस कुछ दिन का टाइम दे दो, कुछ दिन का टाइम दे दो, ठीक है? क्लॉजेस, नाउन क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस, एडवर्ब क्लॉजेस और साथ में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है? चलो क्लियर। अभी पीछे हमने क्या देखा कि टेक हार्ट, लूज हार्ट, इन सब के पहले द नहीं आता है ना? तो ये देखो लास्ट वाला रूल यहां भी टकरा गया, तो यहां से भी द हटा लो, ठीक? टेक हार्ट, है ना, लूज हार्ट, टेक एक्शन, ये सब याद रखना प्लीज, है ना? आप लोग को दिक्कत क्या होती है ना कि आप लोग एक दिन में बहुत सारे आप लोग YouTube के सेशंस लेते हो, तो सारी बातें दिमाग में कंटेन करना मुश्किल है ना? चलो आज, चलिए तो ये रहे 20 क्वेश्चंस, एक दिन और लगेगा प्रोबेबली। कल मैं कोशिश करूंगा थोड़ा 30 क्वेश्चंस के आसपास और कर लेंगे आर्टिकल्स के, ठीक? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर पेशेंस। और चलते चलते हमेशा की तरह एक संदेश, मैं बीच में बार बार तो नहीं कह सकता, मुझे बड़ा डेरोगेटरी लगता है, हाँ, लेकिन चलते चलते फर्ज बनता है एक बार कहना। लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर 30 सेकेंड्स आपके पास हो तो डू कॉमेंट व्हेन आई स्विच ऑफ द लाइव सेशन। थैंक यू सो वेरी मच। दिस इज सौरभ चौधरी साइनिंग ऑफ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और उससे बड़ी बात, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। बाकी बात तो समझ ही गए ना, टोटल बात समझ गए, समरी क्या थी। कमेंट जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। Thank you everyone. Thank you Vishu, Kimini ji, thank you so much.